सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों बने रहिए वीडियो से, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देना। इसी साथ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये केवाईसी का फॉर्म है, इसे आपको बैंक में जाकर बैंक से मिल जाएगा। और इसको फिलअप करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप नहीं करना है, ये बैंक अधिकारी फिलअप कर लेंगे। सी केवाईसी नंबर भी आपको नहीं फिलअप करना है, आपको यहाँ से फिलअप करना है नेम सेम एज आईडी प्रूफ, मतलब कि आपका जो आईडी प्रूफ में नाम है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप लोग अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं तो इन बॉक्स में यहाँ पे लिख देंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप लोग अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिख देंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी कैपिटल लेटर में लिख देंगे, इसके बाद फिर लास्ट नेम लिख देंगे, इसके बाद फिर मिडिल नेम, अगर आप लोग का कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी इस तरह कैपिटल लेटर में यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद पूछा है मदर नेम, तो मदर नेम भी आप अपना इस कैपिटल लेटर में इस बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद पूछा है जेंडर, जेंडर यहाँ पर अगर आप लोग मेल है तो मेल पर टिक कर देंगे, अन्यथा फीमेल पर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पूछा है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति, तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड पर टिक कर देंगे, अन्यथा यहाँ पे अनमैरिड पर टिक कर देंगे। इसके बाद सिटीजनशिप पूछा है तो यहाँ पे IN इंडियन पे टिक कर देना है। इसके बाद फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पे, यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल पे आप लोग को टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप में अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ पे टिक करना है, पब्लिक सेक्टर में करते हैं तो यहाँ पर करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो यहाँ पर करना है, अन्यथा अगर आप लोग स्टूडेंट या हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पर आपको अदर वाले टिक में यहाँ पे अदर वाले बॉक्स में यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है प्लेस एंड सिटी ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी सिटी ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे जिस भी स्थान पे आपका जन्म हुआ होगा यहाँ पे कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिख देंगे, इसके बाद ये खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया है डिटेल्स ऑफ KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई द एप्लीकेंट, मतलब कि आपको दो आईडी प्रूफ अपना जो है आईडी प्रूफ की फोटो कापी यहाँ पे इस फॉर्म के साथ जमा करनी होगी बैंक में। तो यहाँ पे दिया है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, DL, नरेगा जॉब कार्ड, तो इनमें से आप कोई भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पे इस पर टिक लगा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कि कौन सी अथॉरिटी इसको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को इशू करती है, इसका डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आप दे रहे हो आईडी वो बनवाया है, इसका प्लेस ऑफ इशू यानी कि जिस स्थान से आपने बनवाया है, एक्सपायरी डेट, आइडेंटिटी प्रूफ, इसके बाद फिर एड्रेस प्रूफ, सेलेक्ट एड्रेस टाइप, कोट एज, इसको आप लोग को छोड़ देना क्योंकि ये नरेगा जॉब कार्ड में अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे ये फिलअप होगा, पैन कार्ड आधार कार्ड में ये फिलअप नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, तो ये सब पोर्सन आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया तो ये सब पोर्सन आपको फिलअप करना होगा। ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो जो लोग भी आपके फर्स्ट एप्लीकेंट के अलावा रहते हैं उन लोगों का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप किया जाना है, लेकिन अगर सिंगल अकाउंट है तो इसको आप लोग खाली छोड़ देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है सिग्नेचर, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे ब्रांच नेम लिखा जाएगा, यहाँ पे जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट आप लिखेंगे। इसके बाद फिर ये फॉर्म और अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो कापी सहित ये फॉर्म आप बैंक में फिलअप कर देंगे और आपका जो है KYC कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों KYC कंप्लीट कराना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, कुछ ही 3 महीने में आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो आजकल KYC किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट हो तो ज़रूर जल्द से जल्द जाकर करवा लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देना, इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।